नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज यानी कि 27 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है MIUI 12 का अपडेट चाइना में। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन Xiaomi की तरफ से निकल कर आई है। तो दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे कि भाई चाइना में तो आज लॉन्च हो जाएगा, मगर हमें इंडिया में कब तक देखने को मिलेगा, प्लीज़ बता दो। तो इस टाइप का बहुत सारा कमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि MIUI 12 का स्टेबल अपडेट इंडिया में आपको कब तक देखने को मिलेगा और किन किन डिवाइसेस को मिलेगा। सारा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप एक Xiaomi डिवाइस के यूजर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टाइप की वीडियो हमेशा इस चैनल में आपको देखने को मिलती रहती है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज यानी कि 27 अप्रैल को लॉन्च तो हो जाएगा चाइना में MIUI 12, मगर दोस्तों दो दिन बाद से बीटा अपडेट आना शुरू हो जाएगा चाइना में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, वो रोम बहुत बार होता है, हर बार ऐसा ही होता है कि रोम लीक हो जाता है, तो फिर रोम लीक हो जाता है तो उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सभी यूट्यूबर्स बनाते रहते हैं, तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। उस समय रोम का अगर लीक होता है तो उसका मैं फ्लैश करके आपको बताऊंगा कि किस क्या क्या फीचर है, क्या क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको वो सभी मिल ही जाएगी, वो बात अलग है। और दोस्तों, कुछ भी टेस्टिंग होता है चाइना में तो पहले चाइना में होता है, उसके बाद इंडिया में लॉन्च होता है, ये तो आपको पता ही होगा। मगर दोस्तों, होगा क्या कि चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद फिर मतलब टेस्टिंग चलेगा, ठीक है। तो लगभग 3 महीना कम से कम टेस्टिंग चलता है किसी भी अपडेट का, तो 3 महीना टेस्टिंग होगा MIUI 12 का चाइना में। जितना फीचर है सारा हमें पता चल जाएगा पहले ही, और MIUI 12 का टेस्टिंग 3 महीना तक कम से कम होगा। उसके बाद 3-3.5 महीने तक टेस्टिंग होगा, उसके बाद इंडिया में वो रोल आउट होना शुरू होगा, ठीक है। तो मतलब कि इंडिया में आप कह सोच सकते हैं कि 3 महीना बाद ही आपको देखने को मिलेगा स्टेबल अपडेट में सभी डिवाइसेस में। तो 3 महीना बाद कर, तो ऐसे करते करते अगर मंथ की बात करें कि कौन सा मंथ में आपको मिल सकता है अपडेट, तो दोस्तों आपको अगस्त चला जाएगा, ठीक है। अगस्त के शुरू से लेकर अगस्त के लास्ट तक आपको मिल जाएगा अपडेट। और दोस्तों, अगर बात करें कि कौन से डिवाइसेस में मिलेगा, ठीक है, तो अगस्त में आपको स्टेबल अपडेट मिलेगा। और कौन से डिवाइसेस मिलेगा, तो Redmi Note 5 के ऊपर के जितने भी डिवाइसेस, सभी डिवाइस को मिलेगा, चाहे वो Redmi Y2 हो, Y3 हो, Redmi Note 5, Note 5 Pro, बाकी नोट 6, 7 सीरीज, 8 सीरीज, 9 सीरीज, सबको तो मिलेगा ही मिलेगा। मगर उससे नीचे के जितने भी डिवाइस, जितना कि पुराना डिवाइस है, उन सभी डिवाइसेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों Xiaomi का कहना है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, 3 साल से ज़्यादा हो चुका है उन सभी डिवाइसेस का, तो जिसके वजह से वो अपडेट नहीं देगा। जैसे Redmi Y1 हो गया, Y1 Lite हो गया, Redmi 4 हो गया, 4A हो गया, ये सभी डिवाइस को अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है। Redmi 5A तक को भी नहीं मिलेगा, Redmi 5 को भी नहीं मिलेगा, Note 5 को मिलेगा, ठीक है, Note 5 से नीचे को नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 सीरीज में भी आधा को मिलेगा, आधा को नहीं मिलेगा, तो इस टाइप का होने वाला है, ठीक है। और आपको अगर मंथ की बात करें तो मंथ का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगस्त मंथ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों, हर बार क्या होता था कि अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलता था, दिसंबर जनवरी तक चला जाता था, मगर दोस्तों इस बार काफ़ी ज़्यादा पहले आपको MIUI 12 मिलने वाला है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद फिर हो सकता है कि उसके बाद बहुत जल्द MIUI 13 का भी तैयारी वो लोग शुरू कर दे, तो उसके बारे में दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इस चैनल में मिल जाएगी। तो उसके लिए दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके रख लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं डालूँ इस सबसे रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और दोस्तों आप वो वीडियो सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में, तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।